बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं हूं सर फरमान, आपका फिजिक्स टीचर। तो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक नंबर जो 9 डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 का, वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और आज जो हम टॉपिक नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। फ्रिक्शन को हमने जो है, पहले हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रिक्शन हमें क्या बताते हैं? फ्रिक्शन इज द फोर्स विच रिजिस्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और सरफेसेस। देखिए, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट और सरफेसेस की जो मोशन होती है उसको रिजिस्ट करती है, यानी उसके जो है वो अगेंस्ट काम करती है, ठीक है। अब ये देखें, ये कार जो है अगर रोड पर मूव करिए, वो किस फोर्स से मूव करिए? फ्रिक्शन की फोर्स से मूव करिए। कि ये जो है जमीन अपनी कुवत लगा रही है और कार के जो टायर से वो अपनी कुवत लगा रहे, तो यहाँ पे क्या पाई जा रही है? फ्रिक्शन पाया जा रहा है, तभी ही ये कार क्या कर रही है? मूव कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉज ऑफ फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन क्यों होती है, यानी इसका सबब क्या होता है वो देख लेते हैं। ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। के जब जो है कोई भी दो सतह, सरफेस का मतलब सतह होता है, जब भी कोई भी दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट के अंदर आती हैं, ठीक है, इंटरब्लॉकिंग, जब उनकी जो है वो पूरी आपस में मिल जाती है, इंटरब्लॉकिंग हो जाती है उनकी, तब आप उसके जब उसके दरमियान क्या पाया जाता है? आपका फ्रिक्शन पाया जाता है उसके दरमियान, ठीक है। कभी भी दो फोर्सेस आपस में कॉन्टेक्ट में आती हैं, वो पूरी इंटरब्लॉकिंग हो जाती है, जैसा कि आप जो है वो इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। तब जो है वो इसके दरमियान क्या पाया जाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पाई जाएगी इसके दरमियान, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, हम ये देखेंगे ये फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्रिक्शन के, वो कौन से फैक्टर्स है जो हमारी जो है फ्रिक्शन को जो है इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे हमने ये देखना है कि काइंड ऑफ सरफेस, कि उस सरफेस की जो काइंड है वो किस किस्म की है, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है कि अमाउंट ऑफ फोर्स प्रेसिंग द सरफेस टूगेदर, के हमें जो है उस फोर्स की मिकदार को देखना है जो उन दोनों सरफेसिस को आपस में प्रेस कर रही है, यानी दबा रही है। तो ये जो दो फैक्टर मैंने आपको बताया, यही दो फैक्टर है जो किसको इफेक्ट करते हैं? फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास 3 टाइप्स में हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो 5 होती है लेकिन ये 3 मेन टाइप्स है। सबसे पहले हमारे पास स्टेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। इनको देख लेते हैं कि ये हमें क्या बताती हैं। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन को हम देख लेते हैं। सपोज योर लिटिल ब्रदर गेट्स इनटू अ बॉक्स एंड वांट्स यू टू मूव हिम। अब यूं सपोज कर लेंगे, आपका जो छोटा भाई है वो एक बॉक्स के अंदर बैठ जाता है और वो चाहता है कि आप उस बॉक्स को मूव करें। ही इज टू हैवी टू लिफ्ट, और उसका वजन इतना ज्यादा है कि मतलब आप उसको जो है वो इजिली यहाँ से जो है वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। यू ट्राई टू पुश द बॉक्स, ट्राई टू पुश द बॉक्स एंड इट डजंट मूव। आपने जो है इस बॉक्स को मूव करने की कोशिश की, पुश करने की कोशिश की, लेकिन ये मूव नहीं हो सका। व्हाट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन डज इट हैव। अब हमें ये देखना है कि इसकी एक्सेलरेशन किस तरीके की है, तो हमें ये पता चले कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, क्योंकि आप इसको बिल्कुल मूव ही नहीं कर पा रहे। तो ये क्या कहलाती है हमारे पास? स्टेटिक फ्रिक्शन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या थी हमारे पास? स्लाइडिंग फ्रिक्शन थी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या कहती है हमें? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ टू सरफेसेस स्लाइडिंग पास्ट ईच टुगेदर। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जो दो सतहों की, अब यूं कह लें कि दो जो हमारे पास सरफेसेस होती हैं, जब वो एक दूसरे से गुजर जाती है पास्ट ईच अदर, तो जो है वो उस उनके दरमियान जो फोर्स होती है जो इन दोनों को अपोज करती है, यानी इनके जो खिलाफ काम करती है, वो क्या कहलाती है हमारे पास? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है, ठीक है। अब ये किस तरीके से होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वो भी देख लेते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय माइक्रोवेव्स, ये माइक्रोवेव्स के थ्रू भी होती है, कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग एंड देन फॉर्मिंग अगेन एज द बॉक्स स्लाइड्स अलोंग द फ्लोर। आप जो है किस कोई भी जो है आप यूं कर लें कि एक बॉक्स आप ले लें, ठीक है जी, उसको जो है आप कंटिन्यूसली यहाँ से मूव करते रहे, वो इतना जो है वो लाइट है वो मूव कर भी रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा, क्योंकि आप उसको इजीली स्लाइड कर सकते हैं, हिला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, टू कीप द बॉक्स मूविंग यू मस्ट
कंटिन्यूअली अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब जो है आपने, अब अगर आप यू चाहते हैं कि वो बॉक्स जो है आपका कंटिन्यूसली मूव करता रहे, तो आपके उसके दरमियान जो है फोर्स लगानी पड़ेगी टू ओवरकम स्लाइडिंग फ्रिक्शन के, ताकि जो है उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो उस बॉक्स जो है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर रहे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन बिटवीन द रोलिंग टायर्स एंड द ग्राउंड इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। अब यू देख लेंगे जो हमारे गाड़ी के कोई भी टायर्स होते हैं, ठीक है, गाड़ी के टायर्स हो गए और यूं कह लेंगे और जो ग्राउंड हो गया हमारा, ठीक है। अब जो गाड़ी के टायर्स होते हैं ग्राउंड पर जिस तरीके से होते हैं, ये किस फ्रिक्शन के अंदर होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर होते हैं, क्योंकि वो जो है वो रोल कर रहे होते हैं, गोल गोल घूम रहे होते हैं, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन वर्क्स पार्टली बिकॉज ऑफ माइक्रोवेल्ड, और ये माइक्रोवेल्ड की बदौलत ही रोलिंग फ्रिक्शन किस हिस्सों में जो है वो काम करता है, ठीक है, पार्टली काम करता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस फ्रिक्शन देन स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन जो है बहुत कम पाया जाता है बनिस्बत किसके, आप यूं कह लें स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बनिस्बत जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा कम पाया जाता है। दैट इज वाई इट इज इजियर टू यूज अ डॉली देन पुशिंग योर लिटिल ब्रदर इन द बॉक्स। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो ट्रॉली है हमारे पास, इसको मूव करना ज्यादा आसान है बनिस्बत उसके कि आप जो है अपने भाई को एक छोटे से डब्बे के अंदर बिठाएं फिर उसको मूव करें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम इनको पिक्चर वाइज भी देख लेते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे पाई जाती है। यहाँ पे पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए फोर्स जो है वो लग रही है यहाँ से, लेकिन कोई भी मोशन नहीं हो रही। अब ये जो बॉक्स है वो इतना ज्यादा हैवी है कि आप इसको कोई भी मोशन नहीं दे पा रहे, तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन देख लेते हैं, स्लाइडिंग मोशन यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ से फोर्स लग रही है और यहाँ से जो है वो फ्रिक्शन भी पैदा हो रही है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन हमारी क्या होती है वो देखें, अब यहाँ से जो है वो फोर्स लग रही है और ये जो हमारी बॉडी है ये भी रोल करती हुई कहाँ आगे जा रही है, इनके दरमियान क्या पैदा हो रहा है, फ्रिक्शन, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, अगर जो है हमें किसी भी टू सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करना यानी निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, यूज लुब्रिकेंट्स लाइक पाउडर और ऑयल और ग्रीस। हम इन लुब्रिकेंट्स यूज कर सकते हैं यानी मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास सॉल्यूशंस आते हैं उनको यूज कर सकते हैं, पाउडर यूज कर सकते हैं और ग्रीस यूज करते कर सकते हैं फ्रिक्शन को यूं आप कह लें खत्म करने के लिए। यूज रोलर्स और व्हीलर्स, आप जो है वो रोलर्स यानी बड़े बड़े रोड्स वगैरह बनाने के लिए होते हैं और बड़े बड़े टायर वाली गाड़ियां होती है, व्हीलर्स होती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। यूज बॉल बेयरिंग, आप बॉल बेयरिंग भी यूज कर सकते हैं फ्रिक्शन को हटाने के लिए यानी रिड्यूस करने के लिए, यूं भी कह सकते हैं कम करने के लिए। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। टू वॉक और रन विदाउट स्लीपिंग, फ्रिक्शन से आपको ये सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि आप जो है भाग भी सकते हैं और यूं कह लें आप चल भी सकते हैं विदाउट स्लीपिंग, स्लिप हुए बगैर। उसके बाद जो आपको फायदा होता है वो क्या होता है, टू राइट विद अ पेन और पेंसिल ऑन अ पेपर, आप जो है किसी भी पेपर पर जो है इजीली पेन और पेंसिल से लिख सकते हैं। टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स स्टीडली इन हैंड, फ्रिक्शन से ये फायदा होता है कि आप जो है कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ सकते हैं। उसके बाद है टू स्लो डाउन अ व्हीकल व्हेन द ब्रेक इज अप्लाइड, फ्रिक्शन से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जो है अपनी व्हीकल अपनी गाड़ी को स्लो डाउन कर लेते हैं, कब, जब आप जो है वो ब्रेक अप्लाई करते हैं और उससे आपकी जो गाड़ी के टायर्स होते हैं रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन पैदा होता है उससे आपकी गाड़ी क्या हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है, फ्रिक्शन का फायदा होता है। अब डिसएडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं वो क्या होते हैं, स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका जो डिसएडवांटेज तो वो ये है कि ये आपकी जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है उसको बिल्कुल स्लो कर देता है। हमारे पास एक नुकसान है इसका, प्रोड्यूसेस अननेसेसरी हीट एंड डैमेजेस मशीन, जब फ्रिक्शन पैदा होती है आप यूं कह लें कि अगर कोई मोटर चल रही है मुसलसल चल रही है अगर उसके दरमियान फ्रिक्शन पैदा, अचानक जो है उसका बेल्ट टूट जाता है, तो उसके दरमियान जो फ्रिक्शन पैदा होगी उससे जो है वो काफी ज्यादा अननेसेसरी हीट भी पैदा हो जाएगी और ये क्या करेगा, आपकी जो मशीन होगी उसको डैमेज भी कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोर एनर्जी इज नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, जब जो है आपके फ्रिक्शन जो है आप यूं कह लें डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में एक पॉइंट हमारे पास ये भी है कि आपको जो है मोर एनर्जी इज नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ये थे हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। आज जो है हमारे टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया, फ्रिक्शन को डिस्कस किया, ठीक है, उसके टाइप्स को डिस्कस किया, उसके जो है हमने ये भी पढ़ा कि मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कौन से मेथड है जिससे हम
फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, और हमने इसके जो है एडवांटेजेस भी पढ़े और डिसएडवांटेजेस भी पढ़े। ये भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसी से इंशाल्लाह जो रिलेटेड होगा, या फिर जो है अगर हमारे पास कोई नेक्स्ट टॉपिक नहीं बचा चैप्टर 4 के अंदर, तो जो है हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5, ठीक है। तब तक के लिए अपना अपने बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।